गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 32 ऑफ चैप्टर 2, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, अर्बनिज्म में शहरीकरण, शहरीकरण का क्या महत्व था, क्या इम्पोर्टेंस थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिटीज एंड टाउन्स आर नॉट जस्ट प्लेसेस विद लार्ज पॉपुलेशन। जो शहर थे और टाउन मीन्स छोटे शहर या नगर, वो केवल बड़ी जनसंख्या वाले प्लेसेस नहीं थे, स्थान नहीं थे। इट इज व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स इन स्फीयर्स अदर देन फूड प्रोडक्शन दैट इट बिकम्स एन एडवांटेज फॉर पीपल टू क्लस्टर इन टाउन्स। इट इज व्हेन एन इकोनॉमी डेवलप्स इन स्फीयर्स, स्फीयर मीन्स अलग अलग क्षेत्रों में, और जब अलग अलग क्षेत्रों में इकोनॉमी मीन्स अर्थव्यवस्था विकसित हुई अदर देन फूड प्रोडक्शन, भोजन उत्पादन के अलावा, दैट इट बिकम्स एन एडवांटेज, तो यह एक लाभदायक चीज बन गई फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू क्लस्टर इन टाउन्स, शहरों में ग्रुप बना के, क्लस्टर बना के रहना। कहने का मतलब ये है कि जो ये शहर थे या नगर थे, वो केवल बड़ी जनसंख्या के स्थान नहीं थे, बल्कि वहां पे इकोनॉमी डेवलप हुई थी अलग अलग क्षेत्रों में, और यहाँ पे केवल फूड प्रोडक्शन ही नहीं होता था, बल्कि इकोनॉमी डेवलप होनी शुरू हो गई थी, और यह लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, जिससे कि वो ग्रुप बनाकर शहरों में रहने लगे। इकोनॉमी डेवलप का मतलब है यहाँ पे कि भोजन उत्पादन का जो काम था, उसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी आर्थिक गतिविधियां भी यहाँ पे शुरू हो गई थी शहरों में, जिनके अलावा जैसे गाँव से जो भी सामान आता था तो उसको उसके उससे चीजें बनाई जाती थी, जैसे जो भी सामान फूड प्रोडक्शन के लिए या भोजन से संबंधित कोई भी चीज, वो गांव से शहरों की तरफ लाई जाती थी, और शहरों में फिर उनको दूसरी चीजों में, दूसरे मटेरियल, उस कच्चे माल को मतलब तैयार माल में बदला जाता था। तो इस तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी थी जिससे कि इकोनॉमी डेवलप हुई और ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में आकर बसने लगे। इसी को अर्बनिज्म कहते हैं या अर्बनाइजेशन कहते हैं, शहरीकरण। काम की तलाश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का शहरों में आके बस जाना, और यहाँ पे फिर काम खोज के, काम नौकरी करना, कोई भी काम करना, तो वो शहरीकरण होता है, और इससे शहरों के ऊपर एक दबाव बढ़ जाता है, बोझ बढ़ जाता है, और शहरों की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा इसी वजह से हो जाती है। इसके बाद है अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड फूड प्रोडक्शन, भोजन उत्पादन के अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में शामिल है ट्रेड यानी कि व्यापार, मैन्युफैक्चर्स, मैन्युफैक्चर्स मतलब चीजों को कच्चे माल से तैयार माल में बदलना यानी कि उनका विनिर्माण करना, एंड सर्विसेज और सेवाएं। सेवाएं मतलब जैसे कि कोई भी सेवा हमें शहरों में मिलती है, जैसे टीचिंग भी एक सर्विस है, डॉक्टरी लाइन जो है वो भी एक सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस है, तो ये सब चीजें हमें सिटी लाइफ में मिलती हैं। सिटी पीपल डज सीज टू बी सेल्फ सफिशियंट, शहर के लोग जो है वो सेल्फ सफिशियंट नहीं होते, आत्मनिर्भर नहीं होते, क्योंकि सारी चीजें शहरों में नहीं मिलती, एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल, अदर पीपल ऑफ सिटीज और विलेजेस। और जो यहाँ के लोग हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड होते हैं, और ये दूसरे लोग या तो शहर के हो सकते हैं या गांव के हो सकते हैं। देयर इज कॉन्टिन्यूस इंट्रैक्शन अमंग देम, इंट्रैक्शन होता है जैसे आदान प्रदान करना, लेन देन करना, और फिर उन लोगों के बीच में, शहर के लोगों के और गाँव के लोगों के बीच में इंट्रैक्शन कॉन्टिन्यू रहता है, लेन देन जारी रहता है। फॉर इंस्टेंस द कार्वर ऑफ अ स्टोन सील, अगर हम एग्जाम्पल देखें, कार्वर होता है नकासी करने वाला, स्टोन सील मीन्स पत्थर की मोहर, पत्थर की जो सील होती है, तो उसका जो बनाने वाला है, उसकी जो नकासी करने वाला है, रिक्वायर्स ब्रोंज टूल्स, उसको नकासी करने के लिए ब्रोंज टूल की जरूरत होती है, या हम ये कह सकते हैं कि उसको औजारों की जरूरत होती है जो ब्रोंज से बने होते हैं, जो कांसे से बने होते हैं, दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक, और ये औजार वो खुद नहीं बना सकता, यानी कि उसको तो सिर्फ कार्विंग का काम आता है, औजार बनाने का काम उसको नहीं आता, औजार बनाने के लिए वो किसी और पर डिपेंड होता है,
कोई और आदमी औजार बनाता है और उन औजारों से फिर वो स्टोन सील बनाता है. एंड कलर्ड स्टोन फॉर सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट. और उसको कलर जो रंग बिरंगे स्टोन्स उसको बनाने होते हैं सील्स के लिए, मोहरों के लिए, तो वो भी वो नहीं जानता कि उसको कहाँ से प्राप्त करने हैं. वो भी उनका भी वो ट्रेड करता है, व्यापार करता है. ही स्पेशलाइजेशन इज फाइन कार्विंग. और उसकी जो विशेषता है वो तो कार्विंग है, यानी कि नकाशी करने का काम उसको आता है. पर नकाशी करने के लिए उसको जिन चीजों की जरूरत होती है उसको उनके बारे में नहीं पता होता कि वो कहाँ से लाए जाते हैं और कैसे बनते हैं. उसको सिर्फ कार्विंग का काम आता है, नो ट्रेडिंग, व्यापार नहीं आता. द ब्रॉन्ज टूल मेकर डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल्स. और ये जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है, ब्रॉन्ज बनाने वाला जो व्यक्ति है, ब्रॉन्ज टूल बनाने वाला, वो खुद मेटल नहीं लेकर आता बाहर से, वो मेटल किसी और से खरीदता है. और जिससे वो मेटल खरीदता है वो व्यक्ति मेटल लेकर आता है. तो ब्रॉन्ज टूल मेकर को तो मेटल के बारे में नहीं पता होता कि कहाँ से मिलती है. और जो स्टोन कार्विंग वाला व्यक्ति है उसको ब्रॉन्ज टूल का नहीं पता होता कि वो कहाँ से मिलते हैं. जो ये मेटल्स हैं या फिर कॉपर और टिन, जिनकी भी उसको जरूरत होती है ब्रॉन्ज टूल बनाने के लिए. बिसाइड्स, इसके अलावा ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज ऑफ कारकोल फॉर फ्यूल. उसको फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए कोयले की भी रेगुलर जरूरत पड़ती है. द डिविजन ऑफ लेबर इज अ मार्क ऑफ अर्बन लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यहीं से ये क्वेश्चन निकलेगा और ये पूरा पैराग्राफ उसका आंसर होगा. क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा, डिविजन ऑफ लेबर क्या है. तो डिविजन ऑफ लेबर जो है यानी कि श्रम विभाजन, वो इस शहरी जीवन का मार्क मीन्स विशेषता है. शहरी जीवन की एक विशेषता है डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर मतलब जैसे कि जो मेटल है, सबसे पहले मेटल कहीं से लाई गई, मेटल से ब्रॉन्ज टूल बनाए गए, ब्रॉन्ज टूल से फिर ये स्टोन सील बनाई गई, पर इनको बनाने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग है. इसी को डिविजन ऑफ लेबर कहते हैं. फर्दर देयर मस्ट बी अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस. शहरों में एक सामाजिक संगठन भी होना चाहिए. फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन, वुड एटसेट्रा कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स. शहर में जो लोग निर्माण कार्य करते हैं उनके लिए ईंधन, मेटल मतलब धातु, अलग अलग प्रकार के स्टोन और लकड़ी, ये अलग अलग प्लेसेस से मिलती हैं, एक जगह नहीं मिलती. दस ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड. इसके लिए एक संगठित व्यापार और भंडारण की जरूरत होती है. देयर आर डिलीवरीज ऑफ ग्रेन एंड अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द विलेज टू द सिटी. गांव से शहरों की तरफ जो फूड आइटम है, भोजन संबंधी जो खाद्य पदार्थ है और जो अनाज है उसकी डिलीवरी होती है, उसकी सप्लाई होती है. एंड फूड सप्लाईज नीड टू बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. और जो भोजन संबंधी जो भी पदार्थ हैं उनको सप्लाई करने के लिए एक स्टोर किया जाता है, उनको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसका मतलब वितरण किया जाता है. बिसाइड्स, इसके अलावा मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड. इसके बाद बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, कार्य हैं जिनके बीच में तालमेल कोऑर्डिनेट किया जाता है. देयर मस्ट बी नॉट ओनली स्टोन्स बट ऑल्सो ब्रॉन्ज टूल्स एंड पोर्ट्स अवेलेबल फॉर सील कटर्स. यानी कि जो स्टोन्स हैं, केवल स्टोन्स ही नहीं, एक सील कटर के लिए, एक मोहर को काटकर बनाने वाले के लिए ब्रॉन्ज टूल्स की भी जरूरत होती है और पोर्ट्स की भी उनको जरूरत होती है. ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इन सच अ सिस्टम सम पीपल गिव कमांड्स. ऐसी व्यवस्था में कुछ लोग तो सिर्फ कमांड यानी कि ऑर्डर देते हैं, दैट अदर्स ओबे, और कुछ उनका कहना मानते हैं. एंड अर्बन इकोनॉमीज ऑफन रिक्वायर्स द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स. और फिर इस अर्बन इकोनॉमी के लिए, इस शहरी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरत पड़ती है रिटन रिकॉर्ड रखने की, लिखित में सारे. जब व्यापार चलता है, इकोनॉमी चलती है, डेवलप होती है, विभिन्न गतिविधियां चलती हैं, तो उनके लिए लिखित में रिकॉर्ड होने जरूरी होते हैं. और इसीलिए जो ये मेसोपोटामिया है, यहाँ पे लेखन कला की शुरुआत सबसे पहले हुई रिटन रिकॉर्ड बनाने के लिए.